Hello student, I am Dilip Mishra. Today we are discuss here subject civics chapter number 1 power sharing from the class 10th. Here is a question, why power sharing is necessary in the society? Power sharing is good for the national integrity as well as it's promote to the communal harmony in the society. Power sharing also suppress to the communal movement as well as also de-promote separatist movement. आप देखेंगे पावर शेयरिंग सोसाइटी के लिए कंट्री के लिए बहुत अच्छा होता है. क्यों पावर शेयरिंग कंट्री के लिए सोसाइटी के लिए अच्छा होता है? उसका रीजन ये है, ये नेशनल इंटीग्रिटी को मेंटेन रखता है, देश की एकता को बनाए रखता है, साथ ही साथ कम्युनल हारमोनी मेंटेन रखता है, सांप्रदायिक सद्भाव बना रहता है. इससे सोसाइटी में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट हैं उसको सप्रेस करता है, उसको डिस्करेज करता है. साथ ही साथ ये सोसाइटी के लोगों के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है. पावर शेयरिंग का जो है सबसे अच्छा जो है बेल्जियम के गवर्नमेंट का एग्जांपल दिया जाता है. सबसे पहले हम देखेंगे बेल्जियम है कहाँ. बेल्जियम इज स्मॉल कंट्री ऑफ द यूरोप. बेल्जियम स्मॉल कंट्री यूरोप का है. इट्स पॉपुलेशन एंड एरिया इज इक्विवेलेंट ऑफ द इंडियन स्टेट हरियाणा. इसकी पॉपुलेशन एरिया इंडियन स्टेट हरियाणा के इक्विवेलेंट है. आप देखेंगे इसमें अगला पॉइंट है 59% रिसाइड फेलमिस रीजन. इट मीन्स 59% पीपुल लिव इन द फेलमिस रीजन स्पीकिंग डच लैंग्वेज. 40% पीपुल लिव इन द वालिना रीजन स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज. 1% बेल्जियन स्पीक जर्मन. द कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज ब्रुसेल्स. इन ब्रुसेल्स 80% पीपुल आर द फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल, 20% पीपुल आर द डच स्पीकिंग पीपुल. इन द कैपिटल फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल आर द मेजॉरिटी बट ऑल ओवर द कंट्री दे आर द माइनॉरिटीज. डच पीपुल आर द मेजॉरिटी इन द फ्रेंच स्पीकिंग इन द होल बेल्जियम एज वेल एज फ्रेंच पीपुल आर द माइनॉरिटी इन होल कंट्रीज. There are the this type of the regional differences and cultural diversity in the Belgium. People made arrangement that would enable everyone live together. आप देखेंगे इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके का रीजनल डिफरेंसेज और कल्चरल डाइवर्सिटी है बेल्जियम में. लेकिन वहाँ लोगों ने प्रोविज़न किया, वहाँ लोगों ने रूल बनाया कि कैसे वो साथ साथ रह सकते हैं. उसके लिए रूल उन्होंने तय किया. सबसे पहले वो क्या हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनी उस सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फेलमिस स्पीकिंग मिनिस्टर जो है इक्वल नंबर के थे. जितना रिप्रेजेंटेशन फ्रेंच स्पीकिंग पीपल का था सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेम उतना ही इक्वल रिप्रेजेंटेशन डच स्पीकिंग पीपल का भी था. आगे आप देखेंगे जो स्टेट गवर्नमेंट खुद हुआ करती थी बेल्जियम में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट हुआ करती थी. सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में इंटरफेयर नहीं करती थी. साथ ही साथ बेल्जियम में एक तीसरे तरीके की भी गवर्नमेंट है, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो अपने कम्युनिटी के जो है मैटर को डील करती है. इससे फ्रेंच, यहाँ आप देखेंगे कि डच लोगों की अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, फ्रेंच लोगों की अलग गवर्नमेंट थी. इस तरीके से आपके बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन आया है, आप एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. इतना एक्सप्लेनेशन के बाद मुझे लगता है, व्हाट आर द एथनिक कंपोजिशन ऑफ द बेल्जियम, हाउ बेल्जियम एकोमोडेट इन देयर रीजनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी इन द सोसाइटी इन देयर सोसाइटी. इस तरीके से दो क्वेश्चन बनते हैं. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.